हम बड़े जबरदस्त पाकिस्तानी हैं, इनकी मक्कारी, इनकी अय्यारी, इनकी मुनाफकत आपके सामने अय्या हो जाएगी। आइए क्वेटा के जलसे में अवैस नूरानी साहब क्या फरमा रहे हैं बलूचिस्तान के बारे में, जिसकी किसी ने कभी कोई तर्दीद नहीं की और उन पर कभी कोई तनकीद नहीं की और अभी भी वो इनका हिस्सा है। आइए सुन लें जरा। हम चाहते हैं बलूचिस्तान एक आजाद रियासत हो। आज बलूचिस्तान का माहौल ऐसे ही है जैसे आप किसी पसमानदा इलाके में आ गए हैं और बलूचिस्तान को हर दौरे हुकूमत में पैकेज दिया जाता है, पैकेज ऐसे देते हैं जैसे हम और आप भिखारी हैं। आजाद का मुतालबा करने वाले, पाकिस्तान के हिस्से करने वाले, उसका यानी तौबा, ये सोचना भी अल्लाह ताला ये कभी ऐसा नहीं हो सकता इंशाअल्लाह ताला, लेकिन ये उनके स्टेज पर खड़े होकर आजाद बलूचिस्तान की हुक्मरानी दे दी। और अब क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन परवेज रशीद साहब के जो पर्ल्स ऑफ विजडम हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी जरा आप सुन लें। गाड़ दिया इस पाकिस्तान को, बर्बाद कर चुका हूं इस पाकिस्तान को, तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को, लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ, आप पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ, आप ये पाकिस्तान दिया जाता है। क्या ठीक किया नवाज शरीफ ने इस पाकिस्तान को और क्या बर्बाद किया इसको पाकिस्तान के जर्नैलों ने, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। अपना दिल थाम के रखिएगा, मैं वापस आता हूं तो और बहुत